दोस्तों यहाँ पर Redmi Note 8 Pro और Realme XT दोनों ही फ़ोन लॉन्च हो चुके हैं और यहाँ पर ये दोनों ही फ़ोन बहुत ही कमाल की प्राइस के हिसाब से लॉन्च हो रहे हैं। उनमें जो डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशंस, कैमरा और प्रोसेसर है यहाँ पर, ये काफ़ी कमाल के हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको इन दोनों का कंपेरिजन करके बताऊँगा कि आप इन दोनों में से कौन सा फ़ोन परचेस कर सकते हो अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप कौन सा फ़ोन परचेस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन में Redmi Note 8 Pro यहाँ पर ग्लास बैक फिनिश के साथ में आएगा और गोरिल्ला ग्लास 5 की सपोर्ट मिल जाएगी और फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में स्क्रीन देखने को मिलेगी और बैक में दोस्तों आपको क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाएगा जो काफ़ी कमाल का कैमरा क्वाड सेटअप बताया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर बात कर लेते हैं रियल मी XT की। तो रियल मी XT में भी आपको ग्लास बैक फिनिश देखने को मिल जाएगा बैक में और गोरिल्ला ग्लास 5 की सपोर्ट मिल जाएगी और यहाँ पर डिस्प्ले आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में मिल जाएगा और बैक में आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों फ़ोन यहाँ पर डिज़ाइन के हिसाब से तो सिमिलर हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही ग्लास बैक है और गोरिल्ला ग्लास 5 की सपोर्ट भी है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके बाद स्पेसिफिकेशंस की। तो दोस्तों यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस में सबसे पहले निकल के आते हैं Redmi Note 8 Pro के बारे में स्पेसिफिकेशंस में। तो डिस्प्ले है यहाँ पर 6.53 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाएगी, FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में। और यहाँ पर जो आपको Realme XT में देखने को मिलेगी 6.4 इंचेस की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, जबकि Redmi Note 8 Pro में यहाँ पर आपको FHD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पर प्रोसेसर की। तो यहाँ पर दोस्तों Redmi Note 8 Pro में यहाँ पर आपको MediaTek Helio G90T प्रोसेसर मिलेगा जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। GPU है इसका Mali G76 MP4। जी हाँ दोस्तों, रैम वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा 8GB एंड 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। और Realme XT में यहाँ पर स्नैपड्रैगन आपको 712 मिलेगा, GPU यहाँ पर मिलेगा Adreno का 618 GPU यहाँ पर, और रैम वेरिएंट आपको 8GB और 128GB का दोनों वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दोनों फ़ोन यहाँ पर सिमिलर है यहाँ पर गेमिंग के हिसाब से, लेकिन गेमिंग में आपको Redmi Note 8 Pro में बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन लिक्विड कूलिंग आपको जो सपोर्ट देखने को मिलेगा Redmi Note 8 Pro में, यहाँ पर एडिशनल लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर कैमरा की। तो दोस्तों कैमरे में यहाँ पर Redmi Note 8 Pro में भी क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा जिसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है सैमसंग के GW1 सेंसर के साथ में, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिल जाएगा आपको देखने के लिए, और यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा और प्लस 2 मेगापिक्सल का फोर्थ कैमरा होगा जो होगा डेप्थ सेंसिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर Realme XT में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेम वही कैमरा जो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। और यहाँ पर दोस्तों सेल्फी आपको थोड़ी डिफरेंस मिलेगी, यहाँ पर Redmi Note 8 Pro में आपको सेल्फी मिलेगी 20 मेगापिक्सल की और Realme XT में देखने को मिलेगी आपको 16 मेगापिक्सल की। जी हाँ दोस्तों, और बैटरी की बात कर लेते हैं। तो बैटरी यहाँ पर Redmi Note 8 Pro में आपको 4500 मेगाहर्ट्ज़ की बैटरी मिलेगी 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में, और Realme XT में आपको 4000 की बैटरी मिलेगी लेकिन 20 वाट का चार्जर मिलेगा विद 3.0 के साथ में सपोर्ट के साथ में। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ यहाँ पर हेडफोन जैक दोनों में दिया गया है और एंड्रॉयड वर्जन दोनों में ही एंड्रॉयड 9.5 वर्जन यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और लेकिन फिंगरप्रिंट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर Redmi Note 8 Pro में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा जो बैक साइड में होगा, और यहाँ पर Realme XT में आपको इन डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके प्राइसिंग की। तो प्राइस में दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर Redmi Note 8 Pro की। तो Redmi Note 8 Pro 6GB 64GB वाले वेरिएंट की 13999 में, 6GB 128GB वाले वेरिएंट की 15999 में, और 8GB 128GB वाले वेरिएंट की 17999 में। और यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके बाद Realme XT की। तो दोस्तों Realme XT की 4GB 64GB वाले वेरिएंट की 15999 में, 6GB 64GB वाले वेरिएंट की 16999 में, 8GB 128GB वाले वेरिएंट की 18999 में। तो दोस्तों प्राइसिंग के हिसाब से दोनों फ़ोन कमाल के निकल जाते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें, 1000 या 2000 रुपये का डिफरेंस है। अगर आप इस डिफरेंस को नहीं देखते हो तो आपको यहाँ पर काफ़ी बेस्ट बजट फ़ोन देखने को मिल जाते हैं। दोनों बजट फ़ोन हैं यहाँ पर दोनों के दोनों ही। आप कौन सा फ़ोन लेना प्रीफर करोगे आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ये भी बताइए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो आप दोनों फ़ोन ले सकते हो क्योंकि दोनों फ़ोन अपनी अपनी जगह पर सही है। यहाँ पर किसी में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं है, किसी में है, और किसी का प्रोसेसर अच्छा है, किसी का कैमरा अच्छा है, किसी की डिस्प्ले सुपर एमोलेड है, किसी की LCD है। तो आप दोनों फ़ोन यहाँ पर मेरे हिसाब से दोनों फ़ोन कमाल के हैं। तो मैंने आपको दोनों का कंपैरिजन दे दिया है, आप कौन सा फ़ोन लेना चाहते हो ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा।
आपने कौन सा फ़ोन लेने की सोच रहे हो और कौन सा आप लेना चाहते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक करने का रीज़न हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि हम उसमें इंप्रूवमेंट करके आगे आपको वीडियोज़ में अच्छा सुधार ला के दे सके। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर।